बल्ब में ये लाइट नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, इसमें दो चीजें हो सकती है। अगर आपका बल्ब सही है, अगर आपके घर में फ्रिज है और उस फ्रिज में करंट नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप अपने फ्रिज का छोटे मोटे मिस्त्री मैकेनिक आप बनिए, हर चीजों के लिए मैकेनिक के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है इस महंगाई के दौर में। तो ये एलजी का फ्रिज है अपना और इसमें करंट नहीं आ रहा था, तो हमारी जो धर्म पत्नी जी है वो बड़ा परेशान हुई, कहीं कैसा है कि ये एलजी वाले सर्विस सेंटर में जाकर पूछिए इसमें ये कैसे ये होगा ये। तो भाई मैंने देखा इसमें, देखने के बाद मुझे भी बहुत विशेष नहीं समझ में आ रहा था, तो मुझे कहा कहाँ लाइट तुम्हारी नहीं, ये लाइट का पॉइंट है, ये यहाँ पे दिखाना जरा, सुनो ये जो है ये लाइट का पॉइंट है आपका यहाँ पे, ये एलजी वाले में यहाँ पे ये लाइट इसका बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें पहले ये ऊपर का जो है ड्रॉर को ये बॉक्स निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपके पास कोई नुकीला अगर उस तरह का कोई है पतला सा, तो इसको लगा के इसको आप ये इसको निकाल लीजिए, ये ठीक है, ये जो है आपका ये निकल गया, ये पॉइंट्स यहाँ का इसका कवर है, ये सेफ्टी कवर है इस बल्ब का, इसको हमने निकाल लिया है। और यहां पे जरा दिखाओ नजदीक करके ये, ठीक है, ये बल्ब है, ये इसी बल्ब में ये लाइट नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसमें दो चीजें हो सकती है। अगर आपका बल्ब सही है तो देख लीजिए लूज तो नहीं है, तो इसको हल्का टाइट कर दीजिए। अगर टाइट करने के बाद भी अगर लाइट इसमें नहीं आ रहा है इस बल्ब में, तो आपको इस बल्ब को सिंपल सा ये खोलना है और ये इसे खोल के आपको ये देखना है इसमें कि आपका बल्ब, देखिए ये बल्ब जो है बिल्कुल ये फ्यूज हो गया है, ये ब्लैक कलर का इसमें ये साइड्स में पड़े हुए हैं ये, और ये बल्ब जो है आपका बेकार हो गया है, ये फ्यूज हो गया है, इसी वजह से आपके फ्रिज में ये लाइट नहीं आ रही थी। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको इतने वोल्ट का आपको एक बल्ब लाना होगा, इसका वोल्ट का डिटेल इस पे ये लिखा हुआ है, ये 240 वोल्ट का है ये, तो आप इतने वोल्ट का एक बल्ब खरीद के लेके आइए, जो भी आपके फ्रिज का जो रिक्वायरमेंट है आपके ये बल्ब का। और मैं एक बल्ब खरीद के लेके मैं आया हूँ, और इस बल्ब को मैं ये यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा, ये नया बल्ब है ये, और इस बल्ब को मैं लगाऊंगा यहाँ पे, इस बल्ब को लगाने के बाद, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पावर को इसको ऑन करेंगे, पावर को ऑन करेंगे, ये फ्रिज में ये लाइट जो है आपको जलने लगेगा। तो आपको बताइए कैसा लगा ये, इतना छोटा सा चीज के लिए ये आउट ऑफ वारंटी भी हो गई थी, और इनका बहुत सारा पैसा भी लगता ही है, और मैंने इनको पैसा इनका बचा दिया है, और ये देंगे कल ये पार्टी। और आपको सिंपल से क्या करना है, ऑलरेडी कल पार्टी है, और वो फ्री वाली पार्टी नहीं चाहिए मुझे, अब ये है तो आपको इसमें इसको ये सॉकेट को लगाइए, ये लग गया, उसके बाद आप इस ड्रॉर को आप इसमें नहीं, ऐसे नहीं, इसको लगाइए, इसको ऐसे लगा दीजिए, और फिर इसको आप जो है आप अपने अनुसार आप बंद कर दीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप और लोगों को आप शेयर करिए उनको, और हमारी पत्नी का चैनल है ये, अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे आपको घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। और बेसिकली जो है ये आपको ये स्कूटी ड्राइविंग करती हैं उसका इनका एफर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ये फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।